मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा हमेशा की तरह, क्योंकि ये माइक और ये स्टेज और ये जो जिम्मेदारी ये जिन लोगों के हाथ में है और ऑलरेडी वो इतना बेहतर तरीके से संभाल रखा है अपने इस पूरे आरसीएम सिस्टम और परिवार में, तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग पीछे के लिए भी रहने चाहिए। अगर सारे स्टेज के मास्टर हो जाएंगे तो फिर शायद लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये 21वीं आरसीएम की जो एनिवर्सरी आरसीएम की वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आरसीएम जो छोटा सा पौधा, छोटा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना सा आज 21 साल का हो गया है, हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। 21 साल पूरे करे हैं, ये किसी के भी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जब छोटे से बड़े भी होते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो मैं यूएस टीम और जो व्यवस्था में जो भी लोग हैं उनको सबसे पहले मैं आज बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आज जो ये जिम्मेदारी या मुझे इस लायक समझा कि आज जो सभी लोगों को ट्रॉफी देने के लिए मुझे चुना गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। अब बात आती है अपनी 21वीं एनिवर्सरी की, और बड़े मज़ेदार एक बात है इसमें 21 सितंबर में कि मैं हमारी टीम के साथ जब भी बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग मतलब कोई काम करते हैं ना तो हमेशा एक उदाहरण देते हैं, सर बराबर से ही किया था लेकिन 19-20 हो गया, सर ठीक है इतना तो चलेगा। मैंने कहा 19-20 में मेरे को वो नंबर ही समझ में नहीं आता है, मुझे तो नंबर ही 21 समझ में आता है। और ये 21वां साल है, मैं बताता हूँ आपको कि रियल मायने में अगर आरसीएम की शुरुआत जो हम अक्सर बोलते भी हैं, जो कुछ ऐसी जो ऐतिहासिक लाइनें हैं आरसीएम के सिस्टम में कि जो लोग आकर के लाइन लगाएंगे, आरसीएम के मेंबर को ढूंढेंगे कि हमें ज्वाइनिंग इस सिस्टम से कैसे जुड़ सकते हैं, वो लाइनें ऐसा नहीं है कि उन्हें खाली लिख या बोल करके और निकली और वो चली गई, उस पर रियल सेंस में काम चल रहा है। और उस काम का ये नंबर सिर्फ काफ़ी है कि जो काम कर रहे हैं वो 21 होना चाहिए, 19-20 नहीं चलेगा। और मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों का उसमें समर्थन या अगर जो भी है, भले अगर कोई फीडबैक भी होगा तो कोई ताली मत बजाना, और अगर आप अगर उसमें समर्थन देते हैं कि अगर उसका कुछ अंश अगर आपको नजर आ रहा हो कंपनी में तो आप मुझे ताली से खाली इतना सा भरोसा दिला सकते हैं कि नहीं ठीक चल रहा है, आप चलते रहिए आगे। थैंक यू सो मच। जब हमारी बात होती है इंटरनल तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि अभी जो हमने काम किया है वो अभी, मैं जब टीम मेरे से पूछती कि भाई अभी कितने मार्क्स पे पहुँचे आप, हर बार बोलते हो यार करे जाओ भाई एंड क्या है, मैंने कहा अभी हम 30 यानी जो पासिंग मार्क्स चाहिए होते ना, वो जो पढ़ाई करते हैं तो 100 में से बोलते हैं 30-40 अभी पासिंग मार्क्स पे आए हैं, अभी तो बहुत काम बाकी है। तो अगर हम बात करेंगे, जैसे सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है वो है हमारे प्रोडक्ट्स, यस। आज मैं हमारे लिए सबके लिए बहुत प्राउड की बात है जो ये टीसी सर और ये जो अभियान बना है, और उसमें वाकई में ये कुदरत के कुछ करिश्मे हैं जो गुड डॉट, न्यूट्री चार्ज, हरित संजीवनी, हेल्थ गार्ड ऑयल, ये जो हमारे साथ में जो चीज़ें जुड़ी हुई है ये वाकई में हमारी कुदरत की देन है, हमें इसकी पूरी वैल्यू है। पूरी तरह से आपको अश्योरेंस दिलाते हैं कि उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी जिसे कहेंगे कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है कंपनी को सपोर्ट लेकर के या सिस्टम में, मेरे ख्याल से सब हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं उसके लिए, और आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट बना रहेगा उसकी उम्मीद करते हैं। और उसी के साथ जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी मैं जस्ट छोटा छोटा ही पॉइंट्स में बताना चाहूँगा कि उनमें भी काम जो चल रहा है वो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कैसे 21 जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो पहली जान है सिस्टम की, अगर किसी प्रोडक्ट ने यूज़ किया, हमें बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ का एहसास आखिरी पर्सन को है कंपनी में, कि एक डायरेक्ट सेलर किसी पर्सन को जाकर के जब ये कन्विंस करता है कि ये प्रोडक्ट आरसीएम का आप उपयोग में लीजिए, वो क्या कमिटमेंट होता है, वो किस भरोसे के साथ में मैदान में जाकर के युद्ध लड़ रहा है कि भैया जो तलवार मुझे दी गई है उसको ठीक तरीके से तीखा कर लिया है, कच्ची काणी खुट नहीं दिया है, मुझे फूटी तलवार नहीं दी है कि जाके मैं लड़ूं तो सही बट पता पड़ रहा है कोई ये तो काम ही नहीं कर रही है। तो ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इसमें कुछ चीज़ों पे जो काम अभी इस वर्ष में शुरू किया है, जैसे कि सिक्स सिग्मा एक टर्म है जो क्वालिटी के लिए फॉलो की जाती है, हर प्रोडक्ट को
सिस्टम में कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट्स हैं जितने भी थर्ड पार्टी से जो सोर्सिंग चल रही है उसमें हमने सिक्स सिग्मा क्लासिफिकेशन की तरफ ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, काफी आगे हम उस पर बढ़ चुके हैं। सिक्स सिग्मा क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब है कि 1,00,000 पीस में से शायद किसी एक पीस में अगर क्वालिटी डिफेक्ट आएगा उससे भी देखा जाएगा, उससे भी सुना जाएगा। तो पहली चीज प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में आपने देखा, प्रोडक्ट में महसूस करते हैं कुछ अच्छा हुआ है। और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अभी मैंने सिर्फ 40 मार्क्स दिए हैं टीम को, अभी बहुत काम बाकी है। तो वो जो सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड के जब प्रोडक्ट्स होंगे तो हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड में, जैसे आज हमारे लिए बहुत अच्छा लगा सुन के देख के कि हेल्थ गार्ड ऑयल जो है वो USFDA क्वालिफाइड है, ये कोई छोटी मोटी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा भरोसा है कि आप लोग फील्ड में जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं वो कोई ऐरा गैरा प्रोडक्ट नहीं है। हर कोई प्रोडक्ट जाकर के हम किसी को नहीं सेल कर रहे हैं। RCM का जो विजन है हमारा इसमें प्रोडक्ट को लेकर के वो ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट में आदमी बोलेंगे कि अगर कोई डिसीजन प्रोडक्ट को लेकर के नहीं ले पा रहा है RCM से जाके प्रोडक्ट ले ले, तेरे को निश्चिंत होकर के तेरे परिवार के लिए, तेरे स्वास्थ्य के लिए, तेरी पॉकेट के लिए, सब तरह से सबसे सर्वोच्च प्रोडक्ट है जो है वो RCM का प्रोडक्ट है। यस, अब प्रोडक्ट को बनाना और वो व्यवस्था पे बहुत काम चल रहा है। अब बात आती है कंपनी की, कि कंपनी की क्या तैयारी है। तो कंपनी की तैयारी की बात करेंगे उसमें भी कौन सा नंबर होना चाहिए, 21, 18 नहीं चलेगा, 19 नहीं चलेगा, 20 भी नहीं चलेगा। जिस दिन तक यहां पे एक एक डायरेक्ट सेलर चाहे वो टॉप टू बॉटम हो वो ये बोल नहीं दे आके कि मजा आ गया, जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो मजा आ जाता है काम करना है, तो ऐसी कंपनी के साथ काम करें कि किसी ने, हाँ ये है, एक दिन में चमत्कार नहीं होते हैं। देखिए वो सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, एक दिन में चमत्कार नहीं होते हैं, बट जिस तरह से लगातार हमारी टीम में लोग एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे साथी अभी आपको ट्रेनर में मिलेंगे, आपको ऑपरेशंस में मिलेंगे, सप्लाई चेन में हमारे पास बहुत अच्छी टीम डेवलप हो रही है, एक एक एरिया पे काम किया जा रहा है। कोई भी पिकअप सेंटर वाला अगर डिपो पे गया उसको ऐसा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए मतलब कि उसको वो बहुत प्राउडली बोल सके कि मैं RCM के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यस, तो कोई भी कोना छूटेगा नहीं, मतलब वो कोना छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, वो बहुत अच्छी तरह से एहसास है हर जने को। और उसके बाद आता है हमारे जो डिपो पे एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद जो डायरेक्ट सेलर के पास जो आप लोगों के पास जिम्मेदारी है उस पर भी अभी प्लानिंग चल रही है, उस पर भी इंटरनल अभी होमवर्क चल रहा है, उस पर भी जो UES के साथ जो हम बात कर रहे हैं मैगजीन है इसमें इंटरेक्ट कर पाएंगे कि क्या विजन है कंपनी का, उसको एक समय हम उस पर कुछ वर्किंग चल रही है उसको इतना मजबूत कर देंगे कि फील्ड को क्या चाहिए और कंपनी को क्या करना है, वो इतना मजबूत प्लानिंग हो कि जिससे जो हम ये जो बात कर रहे थे स्पीड बढ़ाने की, वो स्पीड को हमारे को मल्टीफोल्ड करना है। तो ये सारी तैयारियों की जानकारी देना चाहूँगा। तो ये 21 नंबर मेरे ख्याल से यादगार नंबर होना चाहिए हम सभी के लिए। धन्यवाद। जय RCM।